राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और रात को पता नहीं क्या इतनी सारी हवा चली कि हमारा पूरा गार्डन ही खराब हो गया। आपको मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ। हवा से सारा कूड़ा हमारा गार्डन ही में ही आ गया और बिन भी गिर गया। बिन को उठाया सुबह और पूरा गार्डन खराब। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि सारे मिलके पूरा गार्डन साफ करेंगे, क्योंकि और दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर रक्षित का स्कूल शुरू हो जाएगा या ऑफिस, तो नहीं टाइम मिल पाएगा। अकेले मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि बच्चा भी है मेरे साथ में। आप कर सकते हो? हाँ? पूरा तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, ठीक है। फिर आज करें? हाँ, रेडी टू स्टार्ट। रेडी टू स्टार्ट, यस। ओके, चलो पापा को बुला के लाओ। आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई है। उर्फा हाय करो। हेलो। वेदा उसे बहुत प्यार करती है। वेदा को मिलने आई है और मेरे लिए स्नैक्स लाई है, मेरे हस्बैंड के लिए डिफरेंट स्नैक लेके आई है। ये सो रहा था, मैंने जाग दिया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको भी तो कोई आना चाहिए ना खिलाने के लिए। बच्चे घर पे वो भी बोर हो जाती है ना घर के लोगों का सेम सेम फेस देखकर। उर्फा मैं कही ये भी बोर हो जाती है ना सेम सेम फेस देख के। आज उसको नया फेस दिखा तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, खुश हो जाएगी। मम्मा खाई, मम्मा खाई, दादा खाई, दादा खाई। दादा ये ना लड़ाकू दादा क्या है? भेज दे वेदा को लेने आया। आंटी मैं लेकर जाऊंगी, ठीक है? नहीं, मेरा घर नहीं दे देते हैं, कोई बात नहीं। तू तो कहता है वेदा अच्छी नहीं है, इसे डस्टबिन में फेंक दो मम्मी। हाँ, जब रो रही थी ना बहुत ज्यादा तो इस वजह से। ये ठीक नहीं थी तबीयत इसकी, इसको इंजेक्शन लगे थे ना तो ये बहुत रो रही थी और ये सो रहा था। वो उसी के कान पे रो ही जा रही। उसके बाद तो क्या बोल रहा था? लक्षित अब तो प्यार करता है रक्षित बहुत। बेबी का डस्टबिन में फेंक देगा तो वापस नहीं आएंगे, बाद में तो वो रोना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट ले जाएगी यहाँ से उठा के। उन्होंने कहा चलो आप तो डस्टबिन में फेंक देते हो, वो देंगे ही नहीं वापस, यहाँ नहीं देते वापस। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो बहुत प्यार करते हैं। देखो कितना सुंदर है, देखो इतना सुंदर है। टीवी देख रहे हैं हमें, ये बहुत ज्यादा टीवी की शौकीन हो रही है आजकल। तो पुरफा जा रही है अब, वेदा को बहुत खिलाया उसने। अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को ले आना। फिर पुरफा ने बच्चों को भी लेके आना। ओके ठीक है, मेरा है ना ऊपर लड़का लड़की। बाय बाय बाय, चलो। ओके बाय। आपने बेलीज पहननी है तो बेलीज पहन सकते हो, उससे होगा ना। ये सॉफ्ट है बेटा जो आपने पहनी है ना, ये आप ग्लास में नहीं पहन के आ सकते, ये वॉर्म है। रक्षित उधर ही रहो, उधर ही रहो, मैं लेके आती हूँ। तो रक्षित की बेलीज यहीं पे है। स्कूल में ना बेलीज लेके जानी होती है क्योंकि कई बार बारिश में बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, तो बैलीज होनी चाहिए उनके पास। ये रही बैलीज, ये देखो क्या हालत हो रखी है। तूने ठंड तो नहीं लग रही रक्षित? कैप पहनी है तो पहन लो। तो आप ना ये कैप ऊपर कर लो ना। गाइस हमें यहाँ हम सफाई शुरू करने वाले हैं और जब हम सफाई करेंगे फिर व्लॉगिंग करेंगे। जब अब हम हमें देखते जो हम कैसे करते हैं सफाई। Thank you.
नहीं ये देखिए इस तरह का हट होता है और हट में इतना सामान होता है जैसे स्टोर रूम बोलते हैं ना इंडिया में और ये स्टोर रूम ही है। मोस्ट ऑफ द प्लेस में ना गार्डन का सारा सामान रखते हैं, ये इसी वजह से हट बनाई हुई है। लेकिन हमने तो काफी सामान रख लिया, मशीन भी ये तो खैर गार्डन का ही है, पीछे जो बैग वगैरह रखे है ना वो। चलो अब इससे कटिंग होगी, जो स्टेम्स लंबी लंबी है उन्हें काटा जाएगा। रक्षित ने देखी पूरा पोछा लगाता तो रह गया। रक्षित ये सारा पोछा लगा दिया अपने वहां से यहाँ तक, इतना सारा पोछा लगा दिया तुमने तो। अरे वाह, चल इधर। गार्डन तो हमारा हो गया क्लीन और अभी हम बाहर बैठ के चाय पियेंगे और आपको फिर मैं गार्डन भी दिखाती हूँ कि गार्डन कैसा लग रहा है अब। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, एंड करते हैं और मुलाकात होगी तो हमारी चाय तो हो गई फिनिश, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, रक्षित से बाय बाय।